आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिंक में ट्रेड करने के लिए एक बढ़िया स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी है, मैं खुद भी यूज़ करता हूं और मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। तो आप भी ये स्ट्रेटजी यूज़ करिए, आपको भी बढ़िया फ़ायदा होगा। देखिए, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ वो जिंक के स्टैंडर्ड लॉट में भी काम करती है और जिंक मिनी में भी काम करती है। अगर आपको जिंक की ट्रेडिंग के बेसिक्स नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिए, उससे मैंने जिंक के सारे बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, तो आज हम ये स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जिंक का चार्ट खोल लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। जो चार्ट होगा जिंक का वो 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो हम 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं। हमने 15 मिनट का चार्ट खोल लिया है। अब हमें क्या करना है, या इंडिकेटर्स पाना है और यहाँ पर टाइप करना है वी वैप। ठीक है, ये हमने वी वैप का इंडिकेटर लगा दिया। अब हमें दोबारा इंडिकेटर्स पाना है और हमें यहाँ क्लिक करना है RSI। RSI हम लिखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब RSI में एक सेटिंग कर लीजिए आप। RSI की सेटिंग ये कर लेंगे आप कि जो इसका वो होगा, एक सेकेंड, ये अपर लिमिट इसको 70 की जगह 60 कर लीजिए और इसको 40 कर लीजिए लोअर लिमिट को। ठीक है, ये भाई हो गया। अब आप हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको जिंक में बाय करना हो तो जब भी RSI होगा जब 60 से ऊपर जाए और जो प्राइस है वी वेब लाइन के ऊपर जाए तो आप बाय कर सकते हैं, आपको बढ़िया फ़ायदा होगा। आप देखिए, आपको यहाँ पे प्राइस था, लो की बात करूँ तो 265 और ये गया है 268 तक। ठीक है, तो फिर करीब करीब आपको इसमें 3 रुपये बचे हैं और जिंक पे 5,000 रुपये मिलते हैं 1 रुपए के। ठीक है ना, तो आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा जिंक के एक लॉट पे। कितना, 15,000 रुपये का। इसमें इतना ही बढ़ता है जिंक में, मैंने बेसिक्स वाले वीडियो में देख लीजिए, मैंने बताया है कि जिंक कैसे बढ़ता है। ठीक है, आपको शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल में आप क्या करेंगे, इसका ठीक उल्टा, जब प्राइस 60 से नीचे, ये RSI 60 से नीचे जाना शुरू होगा, ठीक है, और ये प्राइस VWAP से नीचे जा रहा होगा, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको इसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, 2-3 पॉइंट का फ़ायदा हो गया। अब ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे भी 60 से ऊपर जा रहा है, RSI वी वाइप से ऊपर है प्राइस, तो आप देख सकते हैं आपको कितना बढ़िया मुनाफा हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कितना बढ़िया मुनाफा हुआ। आपको इंतज़ार करना है, जब RSI 60 पे आ रहा हो तब आपको पोजीशन बनानी है। ऐसे और कभी पोजीशन नहीं बनानी, तब बनानी है, आपको मौका मिलेगा, चिंता मत करिए, RSI जब ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, 60 से नीचे जाए, वी वेब लाइन के नीचे आए, तो देखिए प्राइस कितना नीचे गया। ये सच में जेन्युइन स्ट्रेटजी है, मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी समय हो गया। आप भी यूज़ करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और भी कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो मैंने इस पर प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आके फ्री में सीख सकते हैं कमोडिटी मार्केट। ठीक है, धन्यवाद।